वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एनिमल टिश्यूज के टॉपिक को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने के लिए हम उसके फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है एपिथेलियल टिश्यू। अब दोस्तों, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, एक ह्यूमन बॉडी को कैसे सपोर्ट करते हैं, इसी बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसको बहुत बारी हम कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है, नाम से यह पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो वेन्स हो, इंटेस्टाइन्स हो, स्टमक हो, किडनीज हो, कुछ भी हो, इन चीजों को प्रोटेक्ट रखने के लिए, एक कवरिंग के लिए जो टिश्यू यूज किया जाता है, उसी को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स को ये कवर करता है। अब दोस्तों, दो ऑर्गन्स अगर हमारे पास है, दोनों को अगर किसी एपिथेलियल टिश्यू ने कवर किया हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो दो ऑर्गन्स को अलग रखने में, सेपरेट रखने में मदद करता है, यानी कि सेपरेशन भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। और दोस्तों, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये इतने अच्छे से हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है कि ये कोई भी उनको नुकसान नहीं होने देता। और इसके पीछे रीजन ये है कि ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, वो काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, उनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होते, तो इसीलिए कि काफी अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाते हैं। और दोस्तों, एक और पॉइंट है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके नीचे बेसमेंट में एक एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि काफी ज्यादा सेल से मिलने वाली एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और दोस्तों, वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो और ज्यादा प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जिनको हमने स्टडी कर लिया। अब दोस्तों, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके भी फर्दर फोर टाइप्स हैं। देखिए, इनके स्ट्रक्चर यूजेज के हिसाब से इनको डिवाइड किया जा सकता है। ये फोर टाइप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो हैं स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनर और क्यूबॉइडल। चलिए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये बेसिकली दोस्तों सिंपल, बिल्कुल फ्लैट काइंड का हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब कि जो भी वेन्स हैं, हमारी जो लंग्स हैं, उसकी जो एक बिल्कुल डेलिकेट लाइनिंग होती है, वो इसी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से की जाती है। हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन भी एक स्क्वामस टिश्यू है। पर दोस्तों, क्योंकि जो स्किन है, वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होती है, कहने का मतलब है कि स्किन सबसे आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की, और बहुत ही ज्यादा रफ आसपास की जो दुनिया है, उससे डील करती है, इसीलिए इसमें लेयर्स काफी ज्यादा होती है, तभी इस टिश्यू को स्क्वामस नहीं बल्कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि इसमें बड़ी सारी लेयर्स हैं, उसी वजह से ये हमारा स्किन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। फिर दोस्तों, जो थर्ड टाइप है, वो है कॉलमनर सिलिएटेड। अब मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूं। देखिए दोस्तों, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, जहां पर कोई ना कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है या फिर सेक्रेट की जा रही है। जैसे कि दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, वहां पे कितने सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करना या फिर रिलीज करना, सेक्रेट करना, इन सब का जब भी कोई काम आता है, तब हमेशा ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। अब यहां पे सिलिएटेड का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पे दो येलो कलर के मैंने कुछ हेयर लाइक दोस्तों स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, ये बेसिकली सिलिया होते हैं। अब ये जो सिलिया है, इन्हीं से मिलकर एक हमारा कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रोजेक्शंस में काफी ज्यादा मदद करता है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ये नाम रखा गया है। अब दोस्तों, जो फोर्थ टाइप है, वो है क्यूबॉइडल। जो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी किडनीज होती हैं, किडनीज को काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इसलिए वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहां तक कि दोस्तों, ये जो क्यूबॉइडल टिश्यू है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये इतने अच्छे से प्रोटेक्शन करता है कि एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये खुद को फोल्ड भी कर सकता है। और जब ये खुद को फोल्ड कर लेता है, तब देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसलिए स्टूडेंट्स, देखिए कितनी आसानी से हमने आज के लेक्चर में समझ लिया कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो कवरिंग और प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और उसके जो भी फोर टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, हमने उनको समझ लिया। तो चलिए, एपिथेलियल टिश्यू अब हमें बिल्कुल समझ आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यूज को और फर्दर समझने के लिए और फंक्शंस को जानने के लिए हम दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्या काम करता है, ये सब हमें नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PUSTAC ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।